हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo T3 या फिर IQ G9 और जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं Realme P1 Pro के साथ जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलेगा और जो Vivo T3 है उसका आपको प्राइस भी यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले इसकी डिस्प्ले की। Realme P1 Pro में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलेगा और यही अगर मैं बात करता हूँ Vivo T3 की, यहाँ पे आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले यहाँ भी आपको मिलने वाला है। जो Realme P1 Pro है उसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले और Vivo T3 में आपको फ्लैट डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहाँ देखने को मिलता है और आउटडोर में भी आप यूज करते हैं तो आपको Vivo T3 में 1800 नीट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल बट Realme P1 Pro में आपको 950 नीट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि डिस्प्ले जो ब्राइट होने वाली है Vivo T3 में या फिर IQ G9 में काफी ब्राइट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा Vivo T3 में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि YouTube और Netflix दोनों में यहाँ देखने को मिला बट Realme P1 Pro में अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी कि डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। AMOLED डिस्प्ले आपको दोनों में मिलने वाली है और कलर वगैरह भी आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे बट आप डिसाइड कर लीजिए आपको कर्व्ड डिस्प्ले वाला चाहिए या फिर आपको फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए। बात करते हैं इसकी बैटरी की। दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग Realme P1 Pro में और Vivo T3 में 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। दोनों स्मार्टफोन में बैटरी बैकअप आपको सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की और दोनों स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा और साउंड क्वालिटी काफी अच्छी यहां देखने को मिलती है। 9 5G बैंड का सपोर्ट आपको Realme के फोन में मिलने वाला है, Vivo T3 में आपको 8 5G बैंड का यहां सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा Realme P1 Pro में आपको डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा बट Vivo T3 में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट यहां देखने को मिलेगा और IP65 की रेटिंग Realme के फोन में, Vivo T3 में आपको IP54 की रेटिंग यहां देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस आपको किसमें अच्छा मिलने वाला है, परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। यहाँ पे Realme P1 Pro में आपको Snapdragon 6 Gen 1 मिलने वाला है और जो Vivo T3 है उसमें आपको MediaTek Dimensity 7200 देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूजर है तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हैं बट अगर आप हैवी यूजर है, गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और हैवी टास्क ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपको Vivo T3 में काफी बेटर परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलेगा। यहां पे आपको 720,000 के करीब यहां अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा और Realme P1 Pro में आपको 585,000 के करीब यहां स्कोर देखने को मिलता है। तो स्कोर आपको डेफिनेटली Vivo T3 में ज्यादा देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस भी आपको काफी बेटर यहां पे Vivo T3 के फोन में यहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 आपको दोनों में मिलने वाला है और 2 ईयर का मेजर अपडेट और 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा LPDDR4X रैम टाइप दोनों स्मार्टफोन में मिलता है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप Realme P1 Pro के फोन में मिलने वाला है और Vivo T3 में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप यहां देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके कैमरास की। यहां पे भी कहानी में ट्विस्ट है। जो Realme P1 Pro है उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, Sony LYT 600 का सेंसर आपको मिलने वाला है प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पे दिया गया है बट Vivo T3 में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, ये भी Sony का यहाँ पे सेंसर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कोई अल्ट्रा वाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का फालतू सेंसर यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा और जो Vivo T3 के स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा वो भी आपको सोनी का मिलने वाला है, IMX882 यहां देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा बेटर है अगर मैं Realme P1 Pro से यहां पे कंपेयर करता हूं। तो अगर मैं बात करूं इसके रियर कैमरा की तो डेफिनेटली आपको Vivo T3 में काफी बेटर फोटो यहां देखने को मिलती है। डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है, लो लाइट में भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि Realme P1 Pro में आपको बेकार फोटो मिलने वाली है, वहां पे भी आपको काफी अच्छी फोटो यहां देखने को मिलती है। दोनों स्मार्टफोन में कलर वगैरह थोड़े से यहाँ पे बूस्ट जरूर करता है बट Vivo T3 में आपको कलर बूस्ट के साथ थोड़ा व्हाइटनेस ही यहाँ पे फेस पे देता है तो वो फोटोज वहां पे काफी अच्छी लगती है देखने में। और इसके अलावा जो
पोर्ट्रेट शॉट से भी आप क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट शॉट आपको Realme P1 Pro में थोड़े से यहाँ पे बेटर नजर आने वाले हैं। ओवरऑल में अगर मैं बात करूं, आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली Vivo T3 में काफी बेटर यहाँ पे कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसके सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा में भी यहाँ पे सेम ही सीन मिलने वाला है। अगर आपको डिटेल वगैरह थोड़ी बेटर चाहिए, कलर वगैरह अच्छे चाहिए तो डेफिनेटली Vivo T3 में आपको बेटर कलर और डिटेल वगैरह भी आपको बेटर देखने को मिलेगी। और दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पे और सेल्फी कैमरा से आप 1080p 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोनों स्मार्टफोन में आपको OIS मिलने वाला है, बट OIS के लिए आपको 1080p पे शूट करना होगा तो आपको स्टेबल वीडियोग्राफी यहां देखने को मिलती है। बट Vivo T3 में आपको थोड़ी ज्यादा यहां पे स्टेबल वीडियोग्राफी देखने को मिलती है, यानी कि कैमरे के मामले में Vivo T3 ओवरऑल में बेटर निकल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, प्राइस आपको दोनों स्मार्टफोन को सिमिलर मिलने वाला है, बट Vivo T3 का थोड़ा सा यहां पे कम है। और IQ G9 जैसा कि मैंने बताया वो भी सिमिलर ही फोन है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। IQ G9 में थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क है, और इसके अलावा अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे प्रोसेसर तो सेम ही है, बट IQ G9 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे 19-21 का आपको बेटर परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिलेगा। तो आपको Vivo T3 या फिर Realme P1 Pro में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे डिस्प्ले आपको दोनों स्मार्टफोन में AMOLED मिलने वाला है, काफी अच्छा डिस्प्ले मिलने वाला है, बट कवर डिस्प्ले एक में मिलने वाला है Realme में, और Vivo T3 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलने वाला है। या आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कवर डिस्प्ले वाला फोन चाहिए या फिर फ्लैट डिस्प्ले वाला चाहिए। बैटरी बैकअप आपको दोनों में सिमिलर मिलने वाला है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे Vivo T3 काफी बेटर निकल जाता है, कैमरे में भी आपको Vivo T3 बेटर निकलता है। तो ओवरऑल में अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, प्राइस भी थोड़ा कम है, तो डेफिनेटली आप Vivo T3 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल में आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की होगी। श्रील आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक प्लीज जरूर से करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं ऐसी कंपैरिजन वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आपको और भी वीडियोज मेरी देखनी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन लेवल मिले और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहें।